हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड कैलकुलेशन। मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट तूफान पॉल। आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 8 का टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो इससे पहले क्लास हम लोग क्या देखे थे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होते हैं और कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो सब टॉपिक है हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज में आप लोगों को कौन कौन सा सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है उसका पूरा ओवरव्यू को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका हर एक ओवरव्यू को फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आपका क्या है, वाटर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या जाता है, आपका न्यूमेरल एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को बनने वाला दो वर्ड है आपका वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, इस एक्सप्रेशन के ही अंदर आ जाता है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं वो देखेंगे, इसी सब टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और इसको अच्छे से डील करेंगे तब हम लोग एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें टर्म्स क्या होते हैं, उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, साथ में उस एक्सप्रेशन का कोफिशियंट किसको बोलते हैं वो भी हम लोग अच्छी तरह से डील करेंगे। ठीक है, कि टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशियंट क्या होते हैं, ये एक सब टॉपिक है, इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से इसको बेसिक क्लियर करेंगे। साथ चलते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये आपका इसी एक्सप्रेशन के अंदर आता है, इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपका आ जाता है मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे और पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। फिर आता है ट्राइनोमियल भी आता है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और इसके अंदर में पूरा सबके अंदर क्या आ जाता है हम लोग इसी पूरा सब टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं हम लोग इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर साथ चलते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि इसी लाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, उसको एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोई भी लाइक टर्म्स हैं उसको ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग इसी के अंदर, इसी लाइक टर्म्स को पहले जानेंगे उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, किसको, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। साथ में चलते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है हम लोग किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ यूज करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसी मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट आपका ओवरव्यू, लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक आपका आइडेंटिटीज। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका आइडेंटिटीज क्या है, उस आइडेंटिटी को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या क्या लॉ है, किस तरह से उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में यूज करेंगे हम लोग इस आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। ये देखो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में हम लोग आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन बेस जो है आपका एनसीईआरटी का जो बेस क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा किसी का भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।